फैमिली रीयूनियन वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट होती है वो रिसीव्ड हुई है, एक मई के महीने में उनकी अपॉइंटमेंट है और एक जो आदमी जो रिसीव्ड हुई है वो अप्रैल के महीने में है। तो फैमिली रीयूनियन वीज़े की जब अपॉइंटमेंट, मेरा जो गैम्बल है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, इस पर जो है वीडियो बनाएंगे और साथ आपको एक गुड न्यूज़ शेयर आप लोगों के साथ करेंगे कि आज जो है इटली फैमिली रीयूनियन वीज़ा से रिलेटेड जो है वो अपॉइंटमेंट हमें रिसीव्ड हुई है, ठीक हो गया। और जो है जो बींग इन फॉर्म वाली है जो कि लाइक लीगलाइजेशन से रिलेटेड है उसके बारे में हमारा क्या सिनेरियो चल रहा है, और उसी के साथ साथ जो हमें फैमिली रीयूनियन वीज़ा से रिलेटेड जो रिसीव्ड हुई हैं तो उसके रिलेटेड हमें क्या अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि साथ साथ हम व्लॉगिंग वगैरह भी किया करेंगे, लेकिन काफ़ी अर्से से मैंने व्लॉगिंग वाले साइड पर नहीं था आ रहा, तो अब मैंने प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देनी है और साथ साथ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस मोबाइल को जो है मैं इसके साथ अटैच कर लूँ, तो फाइनली जो है ये एडजस्टमेंट हो चुकी है, गैम्बल की जो है हमने एडजस्टमेंट कर ली है, लेकिन यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा इस वजह से ऑफिस जाकर जो है ना इसकी वीडियो आपको कंप्लीट डिटेल देते हैं। शोर बहुत ज़्यादा था इस वजह से ऑफिस में आकर जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल से बात करनी थी लीगलाइजेशन की पर्पज़ के लिए। मैं ईमेल से मैसेज को कर रहा हूँ दिसंबर से, मुझे बींग इनफॉर्म जनवरी फरवरी मार्च में भी बींग इनफॉर्म की ईमेल से रिसीव हुए हैं, लेकिन लीगलाइजेशन की जो अपॉइंटमेंट है वो अभी तक मुझे जारी ने नहीं दी। मीनवाइल फैमिली रीयूनियन वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है उस सिलसिले में भी मैं अपॉइंटमेंट्स के लिए ईमेल्स लोगों के लिए कर रहा था, तो करंटली इन दो वीक्स में मुझे जो है वो लीगलाइजेशन के बाद जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट होती है वो रिसीव्ड हुई है, एक मई के महीने में उनकी अपॉइंटमेंट है और एक जो आदमी जो रिसीव्ड हुई है वो अप्रैल के महीने में है। तो फैमिली रीयूनियन वीज़े की जब अपॉइंटमेंट स्टार्ट होती हैं तो लीगलाइजेशन की वो क्लोज या बड़ा उसमें टाइम लगाना शुरू कर देते हैं, और जब फैमिली रीयूनियन वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो जाती हैं तो जो लीगलाइजेशन से रिलेटेड इटली की अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो जाती है तो फैमिली रीयूनियन वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है उसमें डिलेनेस करना शुरू कर देते हैं। बट जो तरीकाकार है उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हो, हम भी उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, मुसलसल ईमेल्स वगैरह करने के बाद ही जो है मैसेज जो है वो रिस्पॉन्स करती है, प्रॉपर तरीके से ईमेल्स की जाए तो तब भी होता है। तो हमारे भी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी हमें हायर किया था, वो ईमेल्स वगैरह कर रहे थे लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं था आ रहा, मीनवाइल उन्होंने मुझे भी हायर किया, तो मैं उनकी बिहा पर जो है जब भी स्पेसिफिक टाइम होते थे उन टाइम्स में आकर ईमेल्स वगैरह किया करता था। तो मुझे ये जो है करंटली जो है जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी मैंने अपॉइंटमेंट्स जो है वो अवेल हो गई है, जो अपॉइंटमेंट है उसके चार्जेस बिल्कुल भी नहीं होते, वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, वो आप करें किसी भी कंसल्टेंट को हायर करें तो वो फ्री ऑफ कास्ट अपॉइंटमेंट मिलती है। हाँ हाँ, आपके बिहा पर जब कोई और इस चीज़ को ट्राई करता है ईमेल के प्रोसेस को तो वो अपने कंसल्टेंसी चार्जेस जितने मर्जी ले वो उस पर और आपकी पे डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाह रहे हो, वो कितना आपसे डिमांड करता है। तो मैं मेरी कोशिश यही होगी कि अब जो कमिंग्स मेरी वीडियोस होंगी थोड़ा बहुत व्लॉगिंग टच भी होगा इसके अंदर, साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी दे देंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है कंसल्टेंसी का बड़ा ही ड्राई सब्जेक्ट है, बोरियत वाला सब्जेक्ट है, तो अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा टच व्लॉगिंग का अगर देते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा हमारी रहन सहन का भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो अभी तो जस्ट एज अ थोड़ा सा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको व्लॉगिंग वगैरह का बताया, तो इसको आप एडिट करेंगे फिर मजीद इंशाल्लाह होपफुली आपको आने वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को फायदा दिखाई डालना।